Hi guys, what is up and welcome to this video guys. So how are you all guys doing? I hope everyone will be fine. So कैसे हो यार आप सभी लोग? I hope सभी सही होंगे और सही होने भी चाहिए. और बाहर मत निकलो और हाथ सैनिटाइज कर दो. तो basically आज की इस वीडियो में हम खोल रहे हैं Clash of Clans. बहुत दिनों बाद, मतलब 10 दिन बाद खोल रहे हैं Clash of Clans. और देख ही लो क्या ढचिया उड़ गई है मेरी बेस की. तो मतलब जो कुछ भी जो लूट था, मतलब एनिमीज को तो भाई मजे हो गए कि भाई ये बंदा ऑनलाइन नहीं आया, क्या लूट ही लूटते जा रहे मेरा. तो मतलब मुझे पूरा कंगाल कर दिया. और तो आप देख भी सकते हो अटैक लॉग में कि मैं कितने दिन पहले अटैक मारा था. मैं तो आप देख ही सकते हो 9 डेज पहले. और ये सब आ चुका है वाटरफॉल वगैरह, मतलब कि जब मैं ऑनलाइन नहीं होता गेम में, जब मैं किसी और काम में बिजी होता हूँ. हालांकि इस क्वारंटाइन में मैं बिजी था नहीं, कुछ और गेम्स भी खेल रहा था. नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप सभी को पता ही है क्या गेम खेलता हूँ मैं क्लैश ऑफ क्लैंस के अलावा. उसमें कर रहा हूँ मैं टायर पुश, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. तो ये सब बहुत बहुत नई चीज़ आई है. और मुझे लगा कि एक टाइम पे लगा कि हाँ भाई क्लैन गेम्स कहीं ख़त्म तो नहीं हो गए ना भाई, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्लैन गेम्स. ओ भाई, तो चेक किया क्लैन गेम्स और देखा 9 आवर्स बाकी है, तो मैं क्लेम कर लेता हूँ फटाफट से, मतलब बिना टाइम गवाए कलेक्ट कर लेता हूँ. तो मैंने कलेक्ट कर लिए. अगर नहीं कलेक्ट कर पाता तो भाई मेरा कुछ अरे अरे रुक जाओ यार, इतना मज़ा भी क्यों ले रहे हो? और अगर मज़ा लेना ही है, इस वीडियो की फुल क्लिप की लिंक मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक कर लेना. तो इतने पसंद आता तो बोल दिया करो यार, मतलब मैं हर वीडियो में ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ मीम कंटेंट डालने के लिए. तो ये आ गया है सुपर ट्रूप्स, बारबेरियन, वॉल ब्रेकर्स, गॉबलिन और जायंट, जो कि अभी तो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन जब कोई क्लैश ऑफ क्लैंस में नहीं होगा तो उसके लिए ये सब ट्रूप्स बहुत मायने रखते हैं. और यहाँ पे ये बूस्ट का ऑप्शन है. तो अभी हम करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करने वाले. तो अभी लिख देता हूँ क्या उसे, ग्राउंड आर्मी है, पिका बोबेड बना रखा है मैंने. तो मैंने वल्केरी मांगता हूँ, फ्रीज और वॉल ब्रेकर. तो मेरे को भी हालांकि समझ में नहीं आ रहा ये है तो है क्या, करूँ तो करूँ क्या. तो मैं कैंसिल वगैरह कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ. तो अभी याद आया, अभी सब कुछ कैंसिल करो और फिर से रिक्वेस्ट करो. तो मैंने रिक्वेस्ट किया और ट्रूप्स को सिलेक्ट कर देता हूँ. तो फटाफट से लिख देते हैं वल्केरीज, फ्रीज एंड WW विच इज़ वॉल रेकर. ओके हो गया. तो अभी फटाफट से रिक्वेस्ट भेजता हूँ. और भाई वॉर में अटैक करना है, तो इसलिए वॉर में अटैक करना है, तो वो सब ट्रूप्स मैंने सिलेक्ट कर लिए जो जो करने होते हैं. ओके कर लिया. और 3 आर्चर भी ले लेता हूँ क्योंकि हाँ ओके सेंड हो गया. और देखते हैं सब कुछ तो सही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है अब तक की बेस में. मुझे पता नहीं यार वीडियो कितनी लंबी हो सकती है, मुझको नहीं मालूम. और डोनेशन का लिए वेट कर रहा हूँ मैं, देखते कब तक डोनेशन करते हैं. और 50,000 डार्क कौन लेता है सुपर ट्रूप्स का? 50,000 डार्क मतलब कि कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा बूस्ट करता है ट्रूप्स वगैरह. अगर सही मायने में अगर ट्रूप्स काम का हुआ तो मैं यूज़ करने लग जाऊँगा, और उसकी भी एक वीडियो आएगी. और मेरे पास इतना सारा गोल्ड एलिक्सर और डार्क बचा हुआ है, तो अभी एलिक्सर का क्या करेंगे, लेबोरेटरी में जाके गोब्लिन को अपडेट पे कर देते हैं, क्योंकि फालतू का एलिक्सर वेस्ट जाएगा, तो इसीलिए कर देते हैं. और भाई न्यू लेवल चाहिए ये सब एलिक्सर कलेक्टर गोल्ड माइन, तो भाई बहुत बेस्ट है. तो कर देते हैं यार अपग्रेड, क्यों टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो कर देते हैं यार अपग्रेड. और हाँ भाई, मतलब कि जब भी आपको 5 बिल्डर्स फ्री हो और आपको पास बहुत सारे लूट हो, जैसे कि मेरे पास है, तो आप इन्वेस्ट करो भाई. मतलब चारों के चारों बिल्डर फ्री लगाओ, लेकिन एक को हमेशा छोड़ कर रखना, क्योंकि जब आपका जो लूट जब ओवरफ्लो होता है तो उसी लूट से आप कर सकते हो अपग्रेड वॉल्स को. तो ये सब इवेंट्स जो है वो सब अभी तो नहीं करूँगा फ़िलहाल के लिए, बाद में करूँगा, लाइव स्ट्रीम में करूँगा, वो भी आप सभी के साथ में. हाँ मेरे पास ज़्यादा सुपर ट्रूप्स है भी नहीं, जितने सुपर ट्रूप्स है उतने हैं, और बाकी के मैं मांग लूँगा ये लोग से. और मैं डिफेंस लॉग देख लो यार, मतलब बंदे लोग
भाई बहुत मजे में, मतलब सब कुछ लूटे जा रहे मेरा इतने दिनों से। और जब मैं वीडियो एडिटिंग हो रही है, वीडियो एडिटिंग भाई 2 दिन लग रहे हैं मेरे को, 2 दिन हुआ है मतलब, तो गिन गिन चुन के 10 दिन के ऊपर हो गया मेरे को मल्टीप्लेयर पे अटैक नहीं किया हुआ। और अब तक ये लोग डोनेशन नहीं कर रहे भाई, इतना टाइम कौन लगाता है यार, मतलब कि सही में यार इतना टाइम लगाएगा कोई तो मैं क्लैन को ही लीव कर दूंगा। और गाइस मैं एक बोल रहा हूँ, अगर आपका क्लैन अच्छा लेवल का है तो आप मुझे कर सकते हो इनवाइट। और ये क्वीन को देख लो यहाँ पे, मतलब 47 लेवल की है, थोड़ा सा डार्क और चाहिए, और मतलब चेंज स्किन, क्या बात है, चेंज स्किन भी कर सकते हैं। मुझे लिक्स मिल गई थी पर मैं भाई आलसी नहीं कर पाया वीडियो अपलोड, नहीं तो रोज़ रोज नई नई वीडियोस आती। तो इस 1500 जेम्स में बाय कर सकते हैं बस 2 स्किन से, क्या बात है। ये हु हा आवाज़ आवाज़ कर रहा है ये किंग और क्वीन। तो अब मेरे को नहीं लगता यार इतना जेम्स वेस्ट करना चाहिए। तो जब कोई अच्छा, जैसे कि स्नो क्वीन आई थी नवंबर में, वो वाला आएगा तो मैं कर लूँगा उसको, जेम मार लूँगा भाई। अब तक तो गोल्ड पास मैंने खरीदा नहीं ज़िंदगी में इस वाले अकाउंट पे, दूसरे अकाउंट पे भले ही हाँ भाई लिया है, लेकिन इस वाले अकाउंट पे नहीं लिया है क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और मैं लास्ट सीज़न 200 के 300 पॉइंट बच गया था, तो मैं अभी भी वेट ही कर रहा हूँ भाई डोनेशन मुझे कब मिलेगा। तो मैं एक बार क्लैन चैट में लिख देता हूँ कि लॉगिंग इन सी यू सी आफ्टर 9 डेज। हालांकि जब एडिटिंग हो रही है तो 2 दिन और हो गए, 11 डेज हो गए हैं, तो मैं सोचा कि ये सब लिख देता हूँ तो हो सकता है कि भाई दे दे मुझे ट्रूप्स फटाफट से। लेकिन मुझको उम्मीद नहीं है यार, क्योंकि जब लीडर बनना था ना लीडर, तो लीडर भाई फटाक से डोनेशन करता है भाई, इतना स्पीड से डोनेशन करेगा ना कि इतने स्पीड की लाइट भी फ्लो नहीं हो पाती, इतने स्पीड में डोनेशन करता है मेरा लीडर। तो ठीक है यार, जब तक के लिए डोनेशन होगा। ओके डोनेशन मिल गया मेरे को, मैंने अभी कट किया था वीडियो, सॉरी बोलना भूल गया, और डोनेशन कर देते हैं। सो अभी CWL चल रहा है, वो मेरे फ्रेंड ने बोला था, लीडर ने अपने वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा कि अटैक करने बोल रहा है, तो इसलिए मैंने किया, वरना मैं तो नहीं भाई, मैं तो गेम को भूल ही गया था, इटली भूल मतलब मैं कोई प्लान नहीं था खेलने का, तो फिर भी खेल लेते हैं। और अभी ये देखते हैं यार, मतलब बेस कौन सा है, वॉर बेस स्काउट करते हैं कौन सा मिरर है मेरा। सोच रहा हूँ मिरर पे ही अटैक कर देता हूँ, तो एक बार स्काउट कर लेते हैं कैसा टाइप का बेस है। वैसे मिरर पे ही अटैक करना चाहिए मेरे को, पर मेरा लीडर कहता है कि भाई अगर बेस टफ लगे और अगर नीचे कोई अटैक नहीं किया है तो भाई नीचे ही अटैक कर दिया करो। तो भाई हम उनका रूल फॉलो करेंगे, और भाई जो बेस एकदम नीचे वाला बेस जो कि 3 स्टार या 2 स्टार नहीं हुआ हो, मतलब कि 1 स्टार हुआ हो, तो भाई उस पर रिकवर करने जाऊंगा। और ये बेस पे थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसे करना है भाई, पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ अटैक, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए बैक चलते हैं और अपना वाला बेस देख लेते हैं यार, मतलब कि अपने लायक वाला बेस कौन सा है। तो अभी 21 तो नहीं हो सकता मेरे लिए, सो अभी 27 कर देते हैं भाई अटैक, मतलब बिना टाइम गवाए, मतलब कि ये पेका बो बैट के लिए मतलब बेस्ट सूट करता है, एकदम बेस्ट है भाई। मतलब विजार्ड टावर भी ये साइड लगे हैं, बॉम्ब टावर और ये जो कुछ भी है एक्सबो, वो भी ग्राउंड टारगेट पे, तो टाउन हॉल तक तो अपना ग्रैंड वार्डन स्पेल्स वगैरह संभाल लेगा। और पेका तो होते ही पावरफुल, जो कि निकाल लेंगे मुझे पूरा विश्वास है, बस इसमें होनी चाहिए फनलिंग अच्छे से लेफ्ट और राइट साइड में। तो चलिए अटैक करते बिना किसी, सॉरी गाली देना चाहता, बिना टाइम गवाए, तो ये सही सेंटेंस है। तो भी पेका डाल देते लेफ्ट और राइट में फनल बनाने के लिए, तो ठीक है लेट्स गो। सो अभी बेबी ड्रैगन मैंने क्यों, 2 बेबी ड्रैगन क्यों रखा है, मैंने 2 बेबी ड्रैगन रखना चाहिए था मुझको। और सो यार कभी डालूंगा अटैक, ओके सो डाल दिया मैंने, तो 2 पेका और पीछे बेबी, एक पीछे साइड से विजर्ड। तो जैसे ही वो बैरक होता है फूट जाएगा है, तो पेका मेरे डिस्ट्रॉय कर देता बैरक, तो वैसे ही डाल दिया पीछे का बच्चे में पेका हीरो एंड वॉल ब्रेकर। तो जैसे ही वॉल फूट गया मैं डाल देता हूँ बॉलर को, स्पैम कर देता हूँ, मतलब वे तो बन ही चुका है, और वहाँ पे मैं हिल स्पेल ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे है बॉम्ब टावर। और कई जगह रेज भी दे दिया, पॉइजन भी दे दिया, सी सी के जो शूट भी कर रहे हैं उनको भाई, वो तो भाई मेरे को खा जाएंगे। तो इससे मैंने दे दिया ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी प्लस
फ्री स्पेल भी देना देने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी देख लिया कि मेरे ट्रुप्स है कि वो तो डिस्ट्रॉय कर ही दिए हैं, तो फ्री स्पेल की क्या ही जरूरत है, सब फ्लैग मार देंगे। तो अभी तो कुछ बचा नहीं, बेसिक मेन चीज़ होती है विजार्ड टावर और मल्टीपल टारगेट इन्फर्नो और सीसी, ये तीन चीज़ निकलनी मिलती है और हीरो की, बस ये सब चीज़ हो गया खत्म। तो भाई आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है पेका वो बैट वाली आर्मी में, तो भाई बहुत सिंपल आर्मी है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस भी नहीं है मतलब कि 5-6 बार आप यूज़ करने लग जाओगे ना तो आपको इजीली हैंडल हो जाएगा। और पता नहीं मैं वॉल ब्रेकर क्यों रखा था, वैसे वॉल ब्रेकर रखा था विन के लिए अंदर डालने के लिए, और अपना जो वॉल ब्रेकर सीज मशीन था उसने काम निकाल लिया, और यहाँ पे हो गया है अपना क्या 3-star अटैक हो चुका है जो कि बहुत सही है। और वैसे भी यार बेस थोड़ा रशी टाइप था और भाई परफेक्ट मेरे आर्मी के हिसाब से बेस था, तो भाई 3-star तो निकल गया ईजीली निकल गया ईजीली, तो भाई बहुत सही आर्मी था, मज़ा आ गया। सो आई होप आपको आज की इस टाइम पास वाली वीडियो पसंद आई हो, अगर नहीं भी आई हो तो भी लाइक तो कर ही सकते हो ना गाइस, मतलब 10 likes तो कंप्लीट करा दिया करो यार, मतलब 10 likes हो जाते ना तो तुम्हारा भाई बल्ले बल्ले करने लग जाता है, तुम्हारा भाई का दिल खुश हो जाता है और फिर और मन करता है कि भाई वीडियोस बनाऊंगा मैं, मतलब वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो और वीडियो यहाँ तक देखते रहे तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको जाके दबा दो, और जैसे ही दबा दोगे आपको बेल नोटिफिकेशन दिखेगा उसको भी क्लिक कर देना, उससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लैश ऑन, बाय गाइस, लव यू ऑल।